गली न्यूज में आपका स्वागत है। बीजेपी का शहर में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी का मुतालबा। ठीक रमजान शुरू होने से पहले बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट मंगल प्रभात लोधा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से मुलाकात कर मुंबई की मस्जिद में लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान से होने वाले साउंड पोल्यूशन को खत्म करने की मांग की। मंगल प्रभात लोधा के साथ अतुल भटकालकर, कालिदास कोलंबकर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत दिया, जिसमें कहा कि मुंबई में साउंड पोल्यूशन कम करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। इसमें साउंड पोल्यूशन की एक वजह लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान भी है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कुछ दिन पहले सभी बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर साउंड पोल्यूशन को रोकने का ऑर्डर देते हुए साउंड स्क्रीन लगाने कहा था और बीजेपी के मंगल प्रभात लोधा एक जाने माने बिल्डर है। हालांकि मंगल प्रभात लोधा ने अपने खत में ये भी लिखा है कि कोई अजान के खिलाफ नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने से साउंड पोल्यूशन होता है। मंगल प्रभात लोधा ने ये भी लिखा है कि आने वाले त्यौहार 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा, 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने की इजाजत दी जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।